क्या हो कि सालों से आपके साथ कोई स्कैम चल रहा है और जैसे इसके बारे में गवर्नमेंट को पता लगता है वो उसे फ्रॉड डिक्लेयर करने के लिए लीगल डिक्लेयर कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ 1992 में जब अब्दुल करीम तेलगी ने ऑस्टन में से एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन को खरीदा और उसी के स्टाफ मेंबर से स्टाम्प पेपर से प्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस समझ कर अपने खुद पे फेक स्टाम्प पेपर प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। अब स्टाम्प पेपर तो प्रिंट तो कर लिया लेकिन बारी आई उन्हें बेचने दी, तो इसके लिए उसने 350 से ज्यादा MBA ग्रेजुएट्स को हायर करा और पूरे इंडिया में डिस्काउंट में स्टाम्प पेपर को बेचना स्टार्ट कर दिया। अब इन स्टाम्प पेपर का बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम वही था जो गवर्नमेंट यूज करती थी, वही मशीन, वही इंक और वही पेपर। इसी वजह से इनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। और दूसरा रीजन इन स्टाम्प पेपरों को पकड़ ना पाने के पीछे था, तो जैसे जब भी कोई फर्जी नोट मार्केट में आता है तो पूरे मार्केट में सर्कुलेट होने लग जाता है, तो इससे कभी ना कभी किसी न किसी के हाथ तो वो फर्जी नोट लग ही जाता है और पकड़ में आ जाता है। लेकिन स्टाम्प पेपर केस में ऐसा नहीं है, एक बार स्टाम्प पेपर लिखवाने के बाद सीधा आपकी अलवारी के अंदर जाता है और सालों साल अलवारी के अंदर धरा रहता है, तो स्टाम्प पेपर को फेक है या ओरिजिनल पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाया अब्दुल करीम तेलगी ने। लेकिन 9 साल बाद जब ये फ्रॉड सामने आया तो अगर गवर्नमेंट इसे फ्रॉड डिक्लेयर कर देती तो लास्ट 9 साल में जितनी भी लीगल डील्स हुई थी वो सारी कैंसिल आउट हो जाती, जिसका बहुत बड़ा असर हमारी इंडियन इकोनॉमी पे और इंडिया की सिक्योरिटी पे पड़ता। तो मजबूरी में आकर इंडियन गवर्नमेंट को सारे स्टाम्प पेपर को लीगल करना पड़ा।